डेली वेजर्स की थाली खाली, इनका नारा है ये। जहाँ पर देश भर में दिवाली का उत्सव मनाया जाता है, हर्षोल्लास से ये दिन जो है पर्व पावन दिन मनाया जाता है, और वहीं पर डेली वेजर्स की बात करें तो देख सकते हैं आप थाली लेकर ये खड़े हैं। उम्मीद कहीं ना कहीं लगाए बैठे थे कि दिवाली के दिन तोहफा जरूर मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं इनका नारा, दिवाली के दिन डेली वेजर्स की थाली खाली। वहीं पर देश भर की बात करें, देश भर में ये दिन बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन इन लोगों का क्या, जिनकी सैलरी अभी तक इनको नहीं मिली है, इनकी मांगे थी लेकिन इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। और वहीं पर बात करें इनके घर के घर की बच्चों की, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि पापा आएंगे और उसके बाद क्रैकर्स लेके आएंगे, मिठाइयां लेके आएंगे, लेकिन उन बच्चों की उम्मीदों का क्या, फैमिली मेंबर्स की उम्मीदों का क्या। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से ये थाली लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हर बार इनकी दिवाली की बात करें तो फीकी ही जाती है, लेकिन इस बार आंखों में आंसू लिए, निराशा लिए, चेहरे पर निराशा, आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। हर बार आपकी दिवाली जो है फीकी जाती है, लेकिन आज आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर निराशा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज दिवाली वाले दिन भी आप हमारे यहां पर आए हो। ये जो जितने भी डेली वेजर मायूस बैठे हैं, आप उनकी उम्मीद बनकर हमारे पास आए हो, क्योंकि आप हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाते हो। रही बात सरकार में, जितने भी उच्च अधिकारी बैठे हैं जो एसी कमरों में, उनको भी दिवाली की आज के दिन की हम शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि जो पिछली सरकारें थी वो कम से कम वेजिस तो हमें देती थी, लेकिन इस बार ये पहली बार हुआ कि डेली वेजरों को दिवाली पर कोई वेतन नहीं दिया गया। हमारे जो अफसर हैं वो भी अच्छी दिवाली अपने घरों में मना रहे हैं इस समय अपने बच्चों के साथ, लेकिन बिना पैसे के डेली वेजर दिवाली नहीं मना सकते हैं। हमारी हर दिवाली फीकी होती है, दिवाली उनकी होती है जिनके पास पैसे होते हैं। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और दिल्ली में जो केंद्र सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हमारी एक ही अपील है उनसे, काफी दिनों से हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें कोई शौक नहीं आज त्योहार के दिन भी यहाँ पर आकर बैठने का, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो क्या करेंगे, अपने बच्चों के साथ कैसे दिवाली मनाएंगे। कोई भी इंसान जो दुखी नहीं होगा अपने घर से, वो अपने बच्चों को छोड़कर आज के दिन ये थालियां लेकर नहीं बैठेगा। देखो सभी के हाथों में थालियां हैं, ये खाली थालियां, ऐसी सरकारें हमने पहली बार देखी हैं जो कि दिवाली पर भी हम लोगों को वेतन नहीं दिया गया। ऐसे अफसर पहले तो जेई एडब्ल्यू वगैरह जितने भी अफसरान थे वो दिवाली पर कुछ ना कुछ देते थे, लेकिन इस बार जो हमारी बेजिस थी वो भी रोक दी गई सरकार की तरफ से, अफसरों की तरफ से, लेकिन उनको हम बहुत सारी बधाई देते हैं इस दिवाली पर। और गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि आपको एक माना जाता है कि अच्छे आपकी छवि है, तो आपने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, लेकिन आज जो डेली वे दिवाली के दिन भी उनके घरों में दीप नहीं जलाए जा रहे हैं, खुशियां नहीं मनाई जा रही हैं, क्योंकि 20-25 साल हमने लोगों को पानी पिलाया है, हमने लोगों को पानी पिलाया कोरोना काल के दौरान भी, जब हमारे अफसर घरों में सोए थे, कह रहे थे कोरोना है भाई हम बाहर नहीं निकल सकते, तो आपने ही देखना, हमने तब भी पानी चलाया, लेकिन आज हमारी दिवाली फीकी है, उनकी रंगीन दिवाली है। चलो हम भगवान से यही दुआ करते हैं सबकी दिवाली अच्छी हो, हमारी तरह किसी की दिवाली ना आए, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील है कि जो हमारी मांगे हैं, मुख्य मांगे, रेगुलाइजेशन पॉलिसी, जितने भी किस्म के वर्कर 1994 के बाद लगे हैं उनके लिए रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए, SRO 64 लागू किया जाए, और यह 70 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस है। सरकार चाहती है अगर इस दिवाली पर जो हमारी पेंडिंग वेजेस देके हमें भी खुशी का, कहीं ना कहीं सर फैमिली मेंबर्स बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि पापा आएंगे, क्रैकर्स लेके आएंगे, फैमिली मेंबर्स इंतजार कर रहे होंगे, मिठाइयां आएंगी घर पे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ लगेगी।
मैं राजीव कुमार शर्मा अखनूर से बिलोंग करता हूँ। हम सुबह जब घर से निकले थे, हमारे बच्चे पूछ रहे थे कि पापा कहाँ जा रहे हो, हमने बोला हम जम्मू जा रहे हैं, लेकिन बोलते हैं पापा हमारे लिए पटाखे कब लाए, हमने बोला हमें जम्मू से पटाखे लाने हैं, इस बार अखनूर के पटाखे नहीं चाहिए, हमें जम्मू के पटाखे चाहिए। ये बैरी अंधी गवर्नमेंट है, हमें इस बार 5 महीने हो गया मैम अभी सैलरी दी हुई हमें, तो अभी जे हमारी आज भी मीटिंग चल रही, कहते थे मीटिंग चल रही है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, तो फिर भी हम जहाँ काली दिवाली मना रहे हैं इसी माध्यम से। कुछ कहना चाहेंगे सर? उम्मीदों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं दिवाली पर कोई ना कोई तोहफा जो है वो जरूर मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि खाली थाली लेकर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वहीं पर फैमिली मेंबर्स या बच्चों की बात करें तो वो भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि घर पर मिठाइयाँ आएंगी, क्रैकर्स आएंगे, धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप अभी आप कवरेज कर रहे हो, किसका दिल करता है कि आज दिवाली के दिन हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार पर्व, आज बच्चे घर में खुश हैं कि आज दिवाली है, रात को क्रैकर्स चलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि डेली वेजर आज यहाँ पे सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, डिमांड वही हमारी रेगुलेशन पॉलिसी और हमारी पेंडिंग वेजेस। कहीं ना कहीं आपने आज दिवाली के दिन तोहफा मिलेगा, ये हमारी जो ये डिमांड्स, ये लगातार 4 महीने से हमारी डिमांड चली आ रही है, हमें उम्मीद थी कि दिवाली के ऊपर ये गवर्नमेंट हमें कुछ ना कुछ देगी, लेकिन बड़ा अफसोस है कि आज फिर हमें आज का दिन, कम से कम हमने सोचा था कि हमारे अकाउंट्स में सैलरी आएगी तो हम आज के दिन अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे, लेकिन हम कल शाम तक वेट करते रहे, हमारे अकाउंट्स में कोई पैसा नहीं आया, और ये वही कारण है कि हमने रातों रात ये डिस्कस करके हमने बोला कि हम गवर्नमेंट को ये बता दें कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम दिवाली नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमें क्या जरूरत थी आज, आज हमें घर में होना चाहिए था, घर में लोग मुबारकबाद देते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, तो ये लोग क्यों मजबूरी में बैठे हैं, और ये क्या सरकार को ये दिख नहीं रहा है, तो बड़े शर्म की बात है 370 टूटने के बाद। गृह मंत्री अमित शाह जी आए, उनसे आपने उम्मीदें लगाई कि शायद वो हमारा मुद्दा उठाएंगे, फिर उसके बाद दिवाली, कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं बात जो है वो की जाएगी, मुद्दा उठाया जाएगा, हमारी समस्या का हल किया जाएगा। आपके सामने ही है, हमने अमित शाह जी की रैली में भी वहाँ पे शिरकत की, वहाँ पे भी अपनी डिमांड्स रख के हमने नारे लगाए, और उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले जो हमने कंपनी बाग स्टेशन जो बंद किया वो हमने मजबूरी में किया, हमें कोई शौक नहीं है कि हम जाके स्टेशन बंद करेंगे, लोगों को पानी के लिए त्राही त्राही करेंगे, ऐसा हमारी मंशा नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने हमें मजबूर किया। उसके बाद फिर टेबल टॉक हमारे डीप काम के साथ, और डीप काम आज 4-5 दिन हो गए हैं, तो छुट्टियों की वजह से शायद इसको लिंगरान किया जा रहा है, उन्होंने बोला है कमेटी गठित करके आपका मसला वंस फॉर ऑल इसको सॉल्व किया जाएगा, तो अब ये गेंद जो है वो सरकार के पाले में है, सरकार ये मत सोच के बैठे कि अभी जो जम्मू का पानी जो ये हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, तो ये हमने इनको बोला है कि आप काम पे जाइए और अपना जो काम है वहाँ पे रोस्टर जैसे भी बनता है, और अपना प्रोटेस्ट भी जारी रखिए, क्योंकि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी प्रोटेस्ट हमारा खत्म होने वाला नहीं है, जैसे ही अगर हमारी डिमांड पूरी हो जाती है तो ये हमारा प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाएगा, और आने वाले टाइम में, और हम ये सरकार को एक और मैसेज देना चाहते हैं कि ये मत भूलें कि ये लोग जो हैं ये पीछे हट चुके हैं, आने वाले टाइम में अगर ये एक स्टेशन बंद हो सकता है पूरे जम्मू के स्टेशन बंद होंगे अगर हमारा मसला हल नहीं होगा, ये अब सरकार को सोचना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी के सामने अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों का गरीबों का भला कर दो, तो अगली बार इनकी दिवाली जो है अच्छी मनाई जाए। जय हिंद जय भारत। हर्षोल्लास से ये दिन मनाया जाता है, दीपावली का दिन मनाया जाता है, और वहीं पर आप देख सकते हैं कि पीएचई डेली वेजर्स थाली लेकर अपनी मांगों को कह रही हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, थाली लेकर ये लोग बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी समस्याओं का हल जरूर होगा। आपकी क्या कुछ राय, अपनी राय जो है वो जरूर बताइएगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क अपडेट्स के साथ, शिल्पा शर्मा के साथ, कैमरा पर्सन गोपाल।